वेलकम बैक टू दी चैनल। पीछे मेरे भीड़ देख रहे होगी। इस टाइम हम हैं जी फरीदाबाद सेक्टर 12 इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप R&D सेंटर के पास। और पीछे भीड़ देख लो, भीड़ लग रही है जी सारी चूर चूर नान के लिए। देख लो जी कितने फेमस है। और क्वांटिटी आप देखोगे यहाँ पे जी एक नंबर क्वांटिटी बन रही है क्वालिटी के साथ। देख लो जी साथ साथ में रिफिलिंग के लिए यहाँ पे सब्जियाँ बनती रहती है। और भीड़ आप देखोगे ना भाई क्वांटिटी में बिकते हैं भाई, भैया के हाथ ही रुकते बनाने में। तो सेटअप देख लो फैला हुआ एकदम एक नंबर सेटअप है, एकदम बढ़िया भाई साहब गोली की स्पीड से बिक रहे। और मैं देख रहा हूँ भैया के हाथ रुक नहीं रहे प्लेट बनाने में। ये देख लो जी भीड़। और ये अभी सुबह 12 बजे का टाइम है, लंच टाइम अभी स्टार्ट हुआ ही है जस्ट। और भीड़ देख लो भीड़ कितनी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे क्या काम है जी। बढ़िया एकदम। कौन से वाला नान है ये? आलू गोभी पनीर सारा मिक्स है। ये मिक्स नान लग रहे हैं यहाँ पे, चूर चूर नान के लिए फीलिंग भरी जा रही है। और पीछे देखो तंदूर लगा हुआ है और कंटिन्यूस बन रहे हैं। ये देख लो जी भैया की स्पीड, ये देख लो भाई लगातार बनते रहते हैं यहाँ पे। और साथ साथ में रिफिलिंग चलती रहती है पीठी। ये देखो बन के आई है क्वांटिटी में, क्या बात है बढ़िया। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है खाने पीने का भाई। खाने पीने के दीवानगी की कमी थोड़ी है। और दिल्ली में इस टाइम है हम फरीदाबाद में, और भाई बहुत भीड़ है भाई। ये देख लो भाई, चलते हैं सब्जियाँ देखते हैं कौन कौन सी है। कौन कौन सी सब्जी है भैया? दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेज। और एक प्लेट में क्या क्या होता है? एक प्लेट दाल मखनी, शाही पनीर, दो नान, रायता, सलाद, चटनी। कितनी की प्लेट है? 130 की चूर चूर नान की। और पनीर नान की 150 की। और सुबह कितने बजे आ जाते हो? 9 बजे आ जाते हो, शाम को 5 बजे तक। ये आ रहा था मिक्स रायता है, एकदम मिक्स रायता बढ़िया मिक्स वेज वाला, क्या बात है। ये कौन सी सब्जी है जी? ये शाही पनीर है। ये है शाही पनीर, शाही पनीर का टुकड़ा देख रहे हो भाई साहब, एकदम थिक ग्रेवी रिच, क्या बात है। और ये आ गई जी हमारी दाल मखनी, ये आ गई दाल मखनी, क्या बात है बढ़िया। ये मिक्स वेज है, ये मिक्स वेज है, क्या बात है। ये मेरी प्लेट है पनीर चूर चूर नान डाली की। ये आ गई ऊपर से पनीर, ऊपर से आ गई बहुत सारे, क्या बात है जी, क्या बात है। और ये लग रही है जी एक प्लेट, देखना भैया की स्पीड देखना लगाते हुए। और ये क्या है? ये पनीर है, क्या बात है। देखो यहाँ पे एक भैया प्लेट लगा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे सारे दिन लगते रहते। भैया की स्पीड एक नंबर है, ऊपर से देखना आएगी भाई बहुत सारी क्रीम। आ गया जी धनिया, क्या बात है। अरे क्रीम तो कटने दे। ये आ गई क्रीम, क्या बात है जी, क्या बात है, एक नंबर। देख लो भाई यहाँ पे ये कौन सी दाल बना रहे हो भैया? दाल मखनी। ये देख लो साथ साथ में यहाँ पे दाल मखनी बन रही है, एकदम बढ़िया रिच ग्रेवी वाली, एकदम बढ़िया लग रही है देखने में। और ये देख लो जी ये लग रहा है यहाँ पे चूर चूर नान। दो साल से ये काट है। और ये देख लो जी ये है जी यहाँ का तक। बटर अमूल, अमूल का बटर है, क्या बात है बढ़िया एकदम, कोई कमी नहीं जी एकदम फुल दिल खोल के। ये हो गई हमारी प्लेट रेडी। रुको रुको रुको, ये है जी प्लेट जिस, ये आ गया जी प्याज हरी चटनी के साथ, ये है जी दाल मखनी एकदम बढ़िया, ये है जी शाही पनीर देख रहे हो एकदम ठीक है। और ये आ गया जी रायता, ये आ गई जी चूर चूर, क्या बात है जी एक नंबर बढ़िया, बटर की कोई कमी नहीं, साथ में है जी पनीर। और ये आ गए जी आलू गोभी,
अभी बात कर लेते हैं नान की। नान की प्लेट थी जी, कॉस्ट थी 130 रुपीज़। बाकी आप बताना आपको कॉस्ट कैसी लगी, वर्थ थी यानी 130 रुपीज़ में हमें मिली भाई दो सब्जी, जिसमें थे एक शाही पनीर, उसके बाद दाल मखनी, साथ में एक मिक्स वेज रायता और साथ में एक आलू गोभी की मिक्स सब्जी और सूखी सब्जी, और साथ में थे एकदम मक्खन भरा हुआ और साथ में बढ़िया ड्राई फ्रूट, एक नंबर मेरे को लगे। बाकी आप कमेंट करके बताना आप कहाँ से खाते हो नान और आपने कभी आके ट्राई किया है नहीं। और लोकेशन की मैं बात करूँ, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सेक्टर 12 फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद में ही आपको अराउंड 6 to 7 के बीच में थे। और स्वाद की मैं बात करूँ, स्वाद अच्छा था, टेस्ट एकदम बढ़िया था। बाकी आप यहाँ पे कभी आओ फरीदाबाद में तो ट्राई करना, स्टे ट्यून्ड।